भाइयों यकीन मानो ये बंदे दोबारा फेक बॉट फायर कभी नहीं करेंगे। तो और भाई लोग हाल चाल यार, अब मैंने आपसे बोला था कि मैं हैकर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और असल में मैंने कल वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा गालियाँ थी। तो वो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, जितनी भी गालियाँ थी ऑलमोस्ट मैंने सबके सब कट कर डाली हैं क्योंकि वो सुनने में बहुत ही ज़्यादा अभद्र लग रही थी। फिलहाल ये वही गेम प्ले जिसमें मेरे को मारा था उस हैकर ने और इस गेम के बाद ही सारी कहानी शुरू हुई थी क्योंकि लगातार एक के बाद हर गेम में हैकर कहना तो इनको इज्जत देना होगा, जो सारे चीटर्स आ रहे थे। अब फिलहाल पूछेंगे मैंने एक स्क्वाड को मारा था और यहाँ पर भी मैंने दो बंदों को नॉक कर दिया था जो मेरे को पीछे से फायर कर रहे थे। अब सिर्फ उनका एक बंदा बचा था। जिसको मारने मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई लेकिन वो फिनिश हो गया। अब फिलहाल यहाँ पर मेरे को एक गाड़ी की आवाज़ आई थी और यहाँ पर मैं एक एंगल ढूंढ रहा था लेकिन तभी देखो मेरे को कहाँ से गोली पड़ती है। भाई कोई एंगल ही नहीं बन रहा, उसने देखा कैसे मैं यहाँ पर हूँ। और ज़रा देखना पुश कैसे कर रहे हैं बंदे खुलने में एके लेके। भाई ज़रा देखना कितने डेयरिंग है। भाई साहब खुले में एकदम सीधा पुश एके लेके कौन करता है मेरे भाई। मैंने सोचा था कि नूब्स हैं लेकिन ये साले तो चीटर्स निकले। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने एक और स्क्वाड को अपना शिकार बनाया। अब यहाँ पर देखते ही देखते दो नॉक हो चुके थे। और यहाँ पर वो फिनिश नहीं कर पाया तो उनके ऊपर पुश कर दिया। अब इसके आगे इस स्क्वाड ने इनको भर भर के गाली दी है तो वो पोर्शन मैं पूरा का पूरा काट दूंगा क्योंकि आगे जाके इन्होंने और कांड करी है, इनको और कहीं ज़्यादा गाली पड़ी है जो कि मैं नहीं दिखा सकता। अब वैसे अपनी टीम का ये अकेला हैकर नहीं था, ये नीचे तीसरे नंबर वाला जॉनी सिंस जिसके काम और नाम दोनों में ही शैतान है, उसका भी यही हाल था। सरप्राइज भाई साहब क्रेट वहीं पर है। अब देखो यहाँ पर हो सकता है कि मेरा टीममेट गाली दे रहा हो तो भाई सीधी सी बात है फ्रस्ट्रेशन होती है भाई जब आप सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हो सब गेम अच्छा जाता है और फिर आप इस तरह के मार जाते हो तो कोई भी गाली देगा यार। ओए देख देख कितनी लंबी जंप मारी इसने। अबे देख कितनी लंबी जंप मार रहा यार। ए ओपन। अब उसके बाद हम लोग ने एक और गेम लगाया और इसमें भी वही हाल। मैं तो बोल रहा हूं ये कौन था भाई। फिलहाल ये बंदे तो हैकर नहीं थे लेकिन इनके लिए हम लोग जरूर बन गए और इनको साफ कर डाला। आ जाओ तुम उधर से आ गया हो यार। लेकिन जरा अब देखना यहाँ क्या होता है। फर्स्ट किल ये C4 की टीम गई। ये C4 वही सोलो स्क्वाड इंडिया। अबे ओके देखो फिनिश क्या है कर रिज के पीछे से स्मोक के अंदर से हम सब फिनिश्ड। अब यहाँ पर मैंने चेक करा कि बाकी सारों ने कितने किल करे तो ये अकेला बंदा था जिस जो समझ लो सारी शूटिंग कर रहा था और बाकी सबको ढो रहा था क्योंकि बाकी सबके 0-0 और एक किल थे। टीम को लोकेशन बता रहा है और साला व्हाट द फक बैक टू मैचेस टू हैकर आने को रिक्वेस्ट भेज रहा हूं।
हैक कर रहा है ये बंदा यार। अब देख सकते हो कि सबके जीरो जीरो और एक बंदे का खाली एक किल है जो कि उसने बॉट मार कर करा होगा, क्योंकि असली बंदा तो इनसे मरने से रहा। और ये चौथा वाला ना बंदा है, इसी ने लगभग आठ बंदों को मारा है जिसमें से एक तो हमारी स्क्वाड है। अब फिलहाल यहाँ पर मैं चीटिंग के लिए मैसेज टाइप करने वाला था जैसे लेजिट करता है, लेकिन तभी लेजिट ने कॉल दिया और उसने ये बताया कि उसने पहले उसको पॉन करा था, बंदा बाद में ऊपर आया तो उसको पता था कि वहां से बंदा आने वाला है। तब देख बंदा दिखेगा नहीं, बाद में बंदा उसी जगह पे आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ क्योंकि इस चीटर के साथ तो कतई चीटिंग हो गई। टक्कर गया C4 वाले, ये C4 वाले जिंदा कैसे बच गए? हैकर को बचाएंगे। बराबर मारो मारो दोनों कुत्तों को। सामने भी कुछ गड़बड़ी सी है। हाँ सामने भी गड़बड़ी, सामने वाले की गड़बड़ी। उसके बाद हम लोग ने एक और गेम लगाया, इस उम्मीद में कि यार इतने सारे हैकर आ चुके हैं अब नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से ना ना अभी फाइट मत करो, अपना गन लेते हैं फिर अपन मिलते हैं। अभी हमारी साइड बंदे, हाँ रुक जा तुम पीछे रहो फारूक, ये अगर आगे आएंगे तो अपने हमारी साइड वाले इनको पेल देंगे, ठीक है? हमारी साइड भी बंदे ना, तुम अपनी जगह पे बस वो रहो कायम, हम उनको। अब फिलहाल ये बंदे हैकर नहीं है, हैकर अभी आगे आएंगे तो अभी हम लोग एक दो स्क्वाड से लड़ेंगे उसके बाद हैकर मिलेंगे, क्योंकि वो हमेशा एंड में ही आपको मार के जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको नॉक कर दिया, लेकिन साथ ही साथ मैं नॉक हो गया, लेकिन टीममेट ने कमाल का कवर दिया मेरे को। एक क्रॉस कर बस, इधर भी बंदे हैं। ए कार वाले पे, हाँ कार वाले पे, कार वाले पे, कार वाला क्या? नाइस नाइस, रुक जाओ अब, आगे मत जाना तुम, जानो की स्क्वाड। अब उसके बाद कोचिंग की तो खाली हो गई थी, तो हम लोग कोचिंग के से बाहर निकले उस उम्मीद में कि कोई ड्रॉप या फिर फ्लेयर ड्रॉप दिख जाए, और वो हम लोग को दिख भी गया। ना ना मिलिट्री साइड नहीं है। दो बंदे उतरो, दो बंदे उतरो, दो बंदे उतरो, तो बोला था पारो बैठ, अरे बैठ रेज बैठ, रेज बैठ, पहाड़ पे जा रहे हम, मारो कवर। अभी से स्कोर की तो हम लोग ने हालत खराब कर दी, क्योंकि मैं और रिक यहाँ नीचे से पुश करने वाले थे और लेजिट और रिच दोनों पहाड़ के ऊपर चले गए थे ताकि वहां स्काउट करके इनकी पोजीशन बता सके और साथ ही साथ वहां से हम लोग को गजब का सपोर्ट दे सके। पर कुछ कर अब तू भी अपनी साइड से कुछ, तेज कुछ कर, एंगल नहीं मिल रहा, बड़ा स्कोप नहीं है मेरे पे। तू साले लूट मत, बीच वाली स्टोरी में ठीक साथ में जा, ऊपर दो है, एक लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट है, ऊपर ऊपर लेफ्ट राइट है,
एक सीढ़ी के पास है, एक बिल्कुल यहाँ पे कोने पे। Enemies ahead. सीढ़ी की साइड गई दोनों ऊपर। ओए फारूक के साथ जाओ। हो गया। वहाँ इसे देखते हैं वाले। मेरे को चाहिए थोड़ा सा। लीटर मांग रहा है थोड़ा सा। मैं 70-90 दे दे। ओए लीडर कौन है? अरे who is leader? ना ना तू ही चला। लीडर को भी हाथ किल लेने का। ले जा ले जा। पीछे कर पीछे कर। ओ ऐसा। 3 किल। आखिरकार लीडर को भी हक है। अब फिलहाल सारी स्क्वाड्स को हम लोग ने हैंडल कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग का सामना हुआ चीटर से। वेयर आर यू? नीचे आ। मैंने भी नॉक कर दिया। नीचे आ। कवर फायर दो। बोला रही तुम्हें क्या कर रही है? ये इस गड़बड़ी है। अरे रिक्की V3 नॉक स्मोक करके पीछे आ रहा है बिल्कुल। इसके बाद गड़बड़ है भाई। हैक कर रहा है वो मदर को। एक्सपोर्ट भाई हैक कर रहा है। देख सब गाली दे रहा है इसको। क्या किलो भूखड़ी के ध्यान से देख। कल हॉल में सुन रहे हैं, हॉल में सुन रहे हैं। हेलो स्नाइपर हैकर है। लेकिन आप खुद देख सकते हो लोग कर क्या रहे हैं। इसको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और भाई ये सब ऐसा नहीं कि मैंने कई दिन में इकट्ठा करा है, ये सिर्फ कल शाम का गेम प्ले है भाई। बैक टू बैक है सब हैगर साइडलाइन से। और हम लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए कि क्या खेलें क्या रिकॉर्ड करें, तो हम लोग ने डिसाइड करा कि अब हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम लोग ने रिकॉर्ड करना तो बंद कर दिया। हैकर्स आना बिल्कुल बंद नहीं हुए। ऐसी की तैसी हो गई केडी की रेटिंग्स की। ऐसे आ गए क्राउन में। भाई मेरे टीममेट मेरे से इसी वजह से गुस्सा रहते हैं क्योंकि मैं हैकर्स को हैकर्स बोलता ही नहीं हूँ, नहीं उनको चीटर्स बोलता हूँ। मैं एंड तक देखा करता हूँ और यही बहस करता हूँ, नहीं यार ये अच्छा है खेलने में। लेकिन सही बताऊँ यार, कल के बाद भरोसा उठ चुका है।